हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, मेरे आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैसेज फॉर वेब, गूगल मैसेजेस का जो एप्लीकेशन आता है गूगल मैसेज। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है, क्यूआर कोड करके मैसेज फॉर वेब यूज़ करने की प्रोसेस आपको मिल जाती है। गाइज, उसके लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कौन सा वो एप्लीकेशन होता है जिसमें आप जो है अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके यूज़ कर सकते हो, जैसा कि व्हाट्सअप वेब में होता है। आपको प्ले स्टोर पर व्हाट्सअप वेब की तरह तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं, एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, जिसमें आप स्कैन करके परमानेंटली लॉग इन रखकर यूज कर सकते हो किसी मैसेज व्हाट्सएप वेब को। तो गाइस, उसी तरह से जो है आपको मैसेज फॉर वेब के लिए आपको एक एप्लीकेशन मिलता है। गाइस, वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी नहीं मिलता ना किसी गूगल पर मिलता है, वो आपको अपने फोन में खुद से क्रिएट होता है। वो कौन सा एप्लीकेशन है, उसे किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, ये सब कुछ जो है आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक बार उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया तो मैसेज फॉर वेब है दोस्तों, आपके फोन में परमानेंटली लॉगिन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सारी की सारी जानकारी जो है आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको सब कुछ जो है क्लियर करके बता देता हूँ। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैसेज फॉर वेब को कौन से एप्लीकेशन में लॉगिन किया जाता है, वो कौन सा एप्लीकेशन होता है जिसमें जो है हम अपने मैसेज फॉर वेब को लॉगिन करके रख सकते हो। गाइज, ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पर तो कोई इसी तरह का एप्लीकेशन नहीं मिलता जिसमें आप जो है मैसेज फॉर वेब को स्कैन करके रख सकते हो। हाँ, लेकिन दोस्तों, आपको आप जैसे ही अपना क्रोम ब्राउज़र ऐप ओपन करते हो, सर्च बार पर टाइप करते हो मैसेज फॉर वेब, तो गाइज आपके सामने यहाँ पर मैसेज फॉर वेब का ऑप्शन आता है। आप क्लिक करते हो तो जो लिंक है ओपन हो जाती है। तो गाइज, आप जब ये लिंक ओपन होते रहती है तो आपको यहाँ पर नीचे में शो करता है ऐड योर होम स्क्रीन, है ना गाइज। तो आपको ऐड योर अपने होम स्क्रीन को जो है ऐड कर देना है। मतलब ये दोस्तों कुछ प्रोसेस है ना, ये जो लिंक है, मतलब ये जो साइट है, डायरेक्टली आपके फ़ोन में एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। गाइज, आप देख सकते कुछ इस तरह से मैसेजेस का जो है ऑप्शन आ रखा है। मैं जैसे ही इस पर टैप करता हूँ, डायरेक्टली मेरा क्यूआर कोड शो हो जाता है गाइज, और आपको यहाँ पर जो टिक मिलता है ये परमानेंट लॉगिन के लिए मिलता है गाइज। तो आप जो है आप इसी तरीके से अपने फ़ोन के ज़रिए एप्लीकेशन क्रिएट करके जो है इसे यूज़ कर सकते हो। गाइज, इसे हम एप्लीकेशन क्रिएट करना तो नहीं, लेकिन एक नज़र से देखा जाए तो कुछ प्रोसेस से जो है हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो ही जाता है। तो गाइज़, ये जो है एप्लीकेशन है, आपको मैंने बताया ऐड और होम स्क्रीन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आप एंजॉय कर सकते हो, परमानेंटली लॉगिन यूज कर सकते हो। तो गाइस, ये जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दी है इस वीडियो से रिलेटेड। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।